नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ITI इंटरव्यू MCQs जो कि ड्राफ्टमैन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट में आते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आज की वीडियो बनी है, वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेट लाइन्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स ऑन द कंटूर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मीट ए प्लेन आर कॉल्ड एज, यानी एक समतल से मिलने के लिए किसी वस्तु के समोच्च पर विभिन्न बिंदुओं से खींची गई सीधी रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए कनेक्टिंग लाइन्स, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर लाइन्स, ऑप्शन सी परपेंडिकुलर लाइन्स, या ऑप्शन सी हिडन लाइन्स। तो वो क्या कहलाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोजेक्टर्स लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, यानी जब प्रोजेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं और प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं तो प्रोजेक्शन कहलाती है। ऑप्शन ए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी ओब्लिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, या ऑप्शन डी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, इन ओब्लिक प्रोजेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मेनी व्यूज, यानी ओब्लिक प्रोजेक्शन में किसी वस्तु को कितने दृश्यों द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए वन व्यू, ऑप्शन बी टू व्यू, ऑप्शन सी थ्री व्यू, या ऑप्शन डी फोर व्यू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट वी सी इन अवर सराउंडिंग यूजुअली विदाउट ड्रॉइंग केम अंडर विच प्रोजेक्शन, यानी हम अपने आसपास जो वस्तु देखते हैं वह आमतौर पर बिना ड्राइंग के किस प्रोजेक्शन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी ओब्लिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, या ऑप्शन डी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इसका सही आंसर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, यानी जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं होते हैं वो किस में आती हैं? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ईच प्रोजेक्शन व्यू रिप्रेजेंटेड हाउ मैनी डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रत्येक प्रोजेक्शन व्यू किसी वस्तु की कितनी डायमेंशंस दर्शाता है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी थ्री, या ऑप्शन डी जीरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू और थ्री व्यूज ऑन डिफरेंट प्लेन्स विच, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेन पर दो या तीन व्यू द्वारा दर्शाया जाता है, जो ऑप्शन ए गिव्स व्यूज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी जिसके व्यू अलग एंगल में हों और अलग अलग डायरेक्शन में हों। ऑप्शन बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन प्लेन्स, या परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन हो प्लेन के, या ऑप्शन सी आर पैरेलल अलोंग द डायरेक्शन बट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, यानी वो पैरेलल तो हैं एक डायरेक्शन में हैं लेकिन क्रॉस सेक्शन अलग अलग हैं, या ऑप्शन डी आर ऑब्टेंड बाई टॉकिंग प्रिंट्स फ्रॉम टू और थ्री साइड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वो क्या कर रहे हैं टू और थ्री साइड्स ऑब्जेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑन पेपर बाय ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द हॉरिजेंटल प्लेन यानी HB शुड बी प्लेस्ड इन विच वे, पेपर पर ऑब्जेक्ट को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द्वारा प्रस्तुत कर HP को यानी हॉरिजेंटल प्लेन को किस तरह से रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए
The HP is turned the in clockwise direction up to 90 degrees. यानी क्या होगा, उसको टर्न करेंगे, HP is turned in clockwise यानी clockwise different direction up to 90 degree. यानी direction किसनी रहेगी, 90 degree तक. Second option B, the HP is turned in anti-clockwise direction up to 90 degree. यानी उसको किधर टर्न करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज. या ऑप्शन सी, एच पी प्लेन इज प्लेस्ड टू लेफ्ट साइड ऑफ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू इट. यानी एच पी को क्या करेंगे, एच पी प्लेन इज प्लेस्ड लेफ्ट साइड, किसके, वर्टिकल प्लेन के, यानी वर्टिकल प्लेन के पैरेलल करेंगे इसको. या ऑप्शन फोर, एच पी प्लेन इज प्लेस्ड टू राइट साइड ऑफ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू इट. यानी एच पी प्लेन को प्लेस करेंगे राइट साइड वर्टिकल प्लेन के पैरेलल. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टू एच पी टर्न्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप टू 90 डिग्रीज. यानी जो हमारा प्लेन है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है उसकी, हम उसको टर्न करेंगे क्लॉकवाइज अप टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री कर तक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिडन पार्ट्स inside or back side of object while represented in orthographic projection are represented by which lines. orthographic projection में प्रस्तुत करते समय वस्तु के अंदर या पीछे छुपे हुए हिस्से को किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है. ऑप्शन ए कंटिन्यूअस थिक लाइन, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस थिन लाइन, ऑप्शन सी डैश्ड थिन लाइन, या ऑप्शन डी लॉन्ग ब्रेक लाइन. तो जैसा कि आपको पता है यह बताया जाता है कि जो डैश्ड लाइन होती है उससे क्या दिखाते हैं, हम जो पार्ट या तो हमें दिख नहीं रहे या फिर वो बैक साइड है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर व्यूज ऑन द म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन प्लेन्स. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन परस्पर परपेंडिकुलर प्लेन पर दो या दो से अधिक व्यूज़ का प्रतिनिधित्व है. ये ट्रू है या फॉल्स है. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन एंड ओब्लिक प्रोजेक्शन द प्रोजेक्टर्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. यानी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन और ओब्लिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर एक दूसरे के समांतर नहीं है. ऑप्शन ए ट्रू या ऑप्शन बी फॉल्स. इसका सही आंसर है फॉल्स, क्योंकि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है कि पैरेलल नहीं होते, लेकिन ओब्लिक प्रोजेक्शन में होता है, तो इसलिए ये है गलत. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एडिशनल थर्ड व्यू ऑन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन जनरल फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट्स. यानी सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए सामान्य रूप से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर अतिरिक्त थर्ड एंगल थर्ड व्यू क्या है. ऑप्शन ए फ्रंट व्यू, ऑप्शन बी टॉप व्यू, ऑप्शन सी साइड व्यू, या ऑप्शन डी व्यू एट 45 डिग्रीज परपेंडिकुलर टू हॉरिजेंटल प्लेन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साइड व्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन विच प्लेन. ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू किस प्लेन में दिखाया जाता है. ऑप्शन ए प्रोफाइल प्लेन, ऑप्शन बी वर्टिकल प्लेन, ऑप्शन सी हॉरिजेंटल प्लेन, या ऑप्शन डी पैरेलल प्लेन. सही आंसर ऑप्शन बी वर्टिकल प्लेन. फ्रंट व्यू कहाँ होता है, वर्टिकल प्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन विच प्लेन. यानी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू किस प्लेन में दिखाया जाता है. ऑप्शन ए प्रोफाइल प्लेन, ऑप्शन बी वर्टिकल प्लेन, ऑप्शन सी हॉरिजेंटल प्लेन, या ऑप्शन डी पैरेलल प्लेन. सही आंसर ऑप्शन सी हॉरिजेंटल प्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन,
द साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन विच प्लेन, यानी ऑब्जेक्ट का साइड व्यू किस प्लेन में दिखाया जाता है। ऑप्शन ए प्रोफाइल प्लेन, ऑप्शन बी वर्टिकल प्लेन, ऑप्शन सी हॉरिजेंटल प्लेन या ऑप्शन डी पैरेलल प्लेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोफाइल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड क्वाड्रेंट इन विच पोजीशन, थर्ड क्वाड्रेंट किस पोजीशन में है। ऑप्शन ए बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, देखो ये वीपी ये एचपी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये कह रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, यानी एचपी के नीचे, तो इसका मतलब नहीं, सही आंसर ये नहीं है। ऑप्शन बी अबव एचपी बिहाइंड वीपी, यानी एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे, या ऑप्शन सी अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी वो एचपी के ऊपर है और वीपी के फ्रंट है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। ऑप्शन डी बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी एचपी के नीचे है तो सेकंड तो ऊपर रह गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अबव एचपी, यानी एचपी के ऊपर और बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे। एक बार दोबारा समझा देता हूं, ये वीपी ये एचपी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इसमें एचपी के ऊपर वीपी के सामने, इसमें वीपी के पीछे एचपी के ऊपर, फिर इसमें एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, और यहाँ पे एचपी के नीचे और वीपी के सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वाड्रेंट इन विच पोजीशन, अब ये पूछ रहा है अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, थर्ड में, तो वो क्या होगा, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, अबव एचपी बिहाइंड वीपी, अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, या बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी एचपी के नीचे और वीपी के पीछे। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा है, यही है दूसरा अबव एचपी, यानी ये गलत हो जाएगा, तीसरा अबव एचपी ये भी गलत, और चौथा बिलो एचपी फ्रंट ऑफ वीपी तो ये भी गलत, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ क्वाड्रेंट इज इन विच पोजीशन, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनमें पहला ऑप्शन है बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, यानी एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ऑप्शन सेकंड इनका अबव एचपी बिहाइंड वीपी, यानी एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी ये भी गलत है। तो इनका जो सही आंसर है वो है ये वाला, इसमें क्या है बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन विच पोजीशन, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ये कह रहे हैं बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, सेकंड है अबव एचपी बिहाइंड वीपी, अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अबव एचपी, यानी एचपी के ऊपर और इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द व्यूज विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच द ऑब्जेक्ट मे बी सिचुएटेड, यानी रेफरेंस लाइन के संबंध में विचारों की स्थिति उस चतुर्थांश के अनुसार नहीं बदलेगी जिसमें वस्तु स्थित हो सकती है, क्या ये सही है या गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट्स आर ऑलवेज ओपनड आउट व्हाइल रोटेटिंग द प्लेन्स, इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट प्लेन को घुमाते समय हमेशा बाहर की ओर खुलता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ट्रू।